विधान परिषद विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने आयोजित पत्र परिषद में सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व में सीमेंट का जंगल खड़ा करते हुए नागपुर के लोगों को बाढ़ की स्थिति में ढकेलने का पाप किया है, जहां नेताओं ने अपने चहेते धन कुबेरों के फायदे के लिए नागपुर के विकास का दिखावा किया है। अंबादास दानवे ने आज नागपुर में बाढ़ की स्थिति का सीधा जायजा लिया और नागपुर के बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। नागपुर में जो बाढ़ की स्थिति पिछले हफ्ते निर्माण हुई थी उससे काफी नुकसान नागपुर का हुआ है। नागपुर में जो नागझरी नदी है उसका जो जहाँ से वो शुरू होती है पूरे नागपुर से वो बहती है, इसको जो संरक्षित वॉल कहा जाता है वो कहीं भी नहीं है। जहाँ थोड़ी बहुत है वो तोड़ी जाती है। इसी प्रकार नागपुर में जो कम से कम 10-20 हज़ार घरों में पानी घुस गया था वहाँ पे अभी पंचनामे होना बाकी है, प्रशासन अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। प्रशासन को इसमें मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन उसके लिए टीम बढ़नी चाहिए, ऐसी सूचना हमने की है। अभी 55 टीम है तो वो कम से कम 100 टीम होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने वो हमारी रिक्वेस्ट मान ली है, लेकिन आने वाले समय में इस नागपुर में जो इस प्रकार विकास हो रहा है ये सिर्फ सीमेंट का जंगल हो रहा है। बेसिक विकास के तरफ ख्याल नहीं दिया जा रहा है, पोल्यूशन के तरफ ख्याल नहीं दिया जा रहा है। NHAI का रास्ता तक यहाँ पे सीतामढ़ी का उखड़ गया है और हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो काम हुए है वो काम दिखावा के स्वरूप में हुए है। प्रत्यक्ष जनता को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। दिखावा किया जा रहा है कि नागपुर में हम ऐसा कर रहे हैं, नागपुर में हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन NIT NMC जैसा संस्थाओं का भी एक में कोऑर्डिनेशन नहीं है और इसलिए नागपुर की स्थिति को यहाँ का राजकीय नेतृत्व जिसके नेतृत्व में ये सब संस्था चलती है ये जिम्मेदार है और इसलिए आने वाले समय में नागपुर के विकास के बारे में बड़ी बड़ी खोखली घोषणा की गई है वो खोटी साबित हुई है। सिर्फ 100-125 एक मिलीमीटर पानी गिरने के बाद नागपुर का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। अगर वहाँ 200, 300, 400, 500 mm पानी गिरता था तो क्या स्थिति होती थी, इसकी सोच हमने सबने करना चाहिए और आने वाले समय में ऐसा होगा ये गृहित पकड़ के हमने नियोजन करना चाहिए, ये भूमिका हमने रखी है।